नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए आज एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं और आज तो मज़ेदार प्रश्न होने वाले ही हैं। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। और आज होने वाला है इन्वायरमेंटल स्टडी पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज ही हुआ है बीएससी का इन्वायरमेंटल का पेपर, तो चलिए वो पेपर हम लेकर के उपस्थित हैं। हमारे पास बच्चों के द्वारा आ गया पेपर, तो क्यों ना इसको हल करा लिया जाए। एक बार आप लोग भी देख लीजिए किस स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है यहां पर, पहले प्रश्न में यहां बात कर रहा है कि रिंगेलमैन स्केल, ठीक है, कौन सा रिंगेलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ। रिंगेलमैन स्केल घनत्व मापन हेतु प्रयुक्त होता है। किसके घनत्व मापन हेतु प्रयुक्त होता है रिंगेलमैन स्केल, कह रहा है नॉइज के लिए कि फॉग के लिए कि स्मोक के लिए कि पॉल्यूटेड वाटर के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल फटाक से बताइए। इसका राइट आंसर है स्मोक। क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है स्मोक, इज द राइट आंसर। रिंगेलमैन स्केल जो होता है किसका घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है, धुआं का। किसका मेरे दोस्त, धुआं का। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम दो की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर दो थोड़ा सा मच्छर भी परेशान करने लगते भाई। देखिए कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन इसमें से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कह रहा है कि कैमूर, नवाबगंज, समसपुर और कह रहा है कोडैकनाल। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, बता दीजिए कि कौन सा इनमें से वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, वो है क्या, कोडैकनाल। ठीक है, क्या है, कोडैकनाल। यह जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहां है, तमिलनाडु में है। कहां है, तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ अगर हम बढ़े तो तीन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा कह रहा है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल बताइए इसका उत्तर क्या होगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कह रहा 28 जुलाई को कि 5 जून को कि 22 अप्रैल की 16 सितंबर। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है, कब होता है, 28 जुलाई को होता है। कब होता है मेरे दोस्त, यह होता है 28 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉल्यूशन फ्री एनर्जी यानी पर्यावरण मुक्त जो ऊर्जा है उसका सोर्स क्या है, प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रदूषण रहित ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, अर्थात जो जिससे प्रदूषण नहीं होता है। कह रहा है कि कोयला है कि पेट्रोल है कि सौर ऊर्जा है कि परमाणु शक्ति है। इसका आंसर क्या होगा, कोयला से प्रदूषण तो होता है जी बिल्कुल होता है, ये नहीं होगा। अब पेट्रोल से होता है, परमाणु शक्ति से भी होता है, किससे नहीं होता, सौर ऊर्जा से नहीं होता मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या है, सौर ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर है, सोलर एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर पांच को, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पांच में कह रहा है कि द फेमस वोल्केनिक माउंटेन करकाटोवा इज सिचुएटेड इन, ठीक है, कराकटोवा, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकटोवा कहाँ स्थित है, ऐसा कह रहा है। कराकटोवा जो कि एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है, यह कहाँ स्थित है, कह रहा है कि इंडोनेशिया में है कि इटली में है कि जापान में है कि स्वीडन में है, यह कहाँ है भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा जी बिल्कुल बता दीजिए। देखिए हम इसमें अब बात कह ही देंगे, इसमें से जो लोग देखिए रेगुलर रहते हैं, मैं आपको बता दूँ कौन कौन लोग रेगुलर रहते हैं। चुलबुली हैं और अभिषेक सिंह हैं, आर्यन खत्री जी हैं और प्रीति अनुरागी जी हैं और पूजा पटेल, संजना पटेल, आप सब लोग भाई बहुत रेगुलर रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। ओ डॉली यादव आप भी बहुत रेगुलर आप रहती है भाई, तो बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत करते ही रहिए आप लोग। ठीक है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, स्वीडन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। पर्वत प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकटोवा कहां स्थित है, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। रामसर संधि संरक्षण
किससे संबंधित है? कह रहा है आर्द्र भूमि के कि जल के कि जंगली जानवरों के कि पादपों के, किसके संरक्षण से संबंधित है ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड के, ठीक है, वेटलैंड से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। अब सात नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सारस क्रेन इज, जो सारस क्रेन है, कह रहा सारस पक्षी है, वह कहां का पक्षी? कह रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है कि विलुप्त पक्षी है? तो सारस क्रेन क्या है? आप जान रहे हैं कि यह कहां का है? उत्तर प्रदेश का यह राजकीय पक्षी है, अर्थात इसका राष्ट्रीय, सॉरी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है बी, स्टेट बर्ड ऑफ यूपी। कौन? सारस क्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर आठ, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज एन, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है ऐसा कह रहा है। बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? हमें इंतजार है आपके उत्तर का, ठीक है। इसका उत्तर तो बिल्कुल आप लोग बता ही दीजिए। कह रहा है कि एक मत्स्य है, एक मछली है, ठीक है। हम आपको बता दें कौन है राष्ट्रीय जलीय जंतु? डॉल्फिन है। कौन है? डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। तो बताइए क्या है डॉल्फिन? कह रहा है एक मत्स्य है कि एक उभयचर है कि एक पक्षी है कि एक स्तनधारी है? इसका सही उत्तर क्या है? मैं जान रहा था इसमें से बहुत लोग पक्षी लगाएंगे, सॉरी इसमें से बहुत लोग मछली लगाएंगे, फिश, लेकिन नहीं, यह क्या मैमल्स है। क्या है मेरे दोस्त? एक स्तनधारी है। एक क्या है? यह एक स्तनधारी है, मैमल्स है, ठीक है। कौन? डॉल्फिन मछली में नहीं बल्कि किसमें? मैमल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है निकोबार आइसलैंड ऑफ इंडिया बिलोंग टू विच बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? भारत का निकोबार द्वीप समूह, कौन सा निकोबार द्वीप समूह किस जैव विविधता तप्त स्थल से संबंधित है ऐसा कह रहा है। भारत का निकोबार द्वीप समूह किस जैव विविधता तप्त स्थल से संबंधित है? कह रहा है हिमालयी क्षेत्र से, पश्चिमी घाट से, कि इंडो वर्मा परिक्षेत्र के, कि सुंदरलैंड से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? सुंदरलैंड, ठीक है। क्या होगा? सुंदरलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और आज दोपहर का जो क्वेश्चन पेपर, मैंने इसलिए भाई मैं जल्दी वीडियो को प्राइवेट या उसको ऑफ नहीं करता हूं, ये क्वेश्चन मिस्टेक होने का मैंने कहा था, मैं भी मानो हूं कहीं एक आप अगर मिस्टेक हो गया तो आप लोग एकदम मार धुआं धुआं कर देते हैं, उड़ा देते हैं। मैंने देखा इतने, जैसे मैंने भैया इतनी गलती कर दिया हो कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर दिया हो, ऐसा एक दो लोगों का कमेंट था, सर आप बिल्कुल जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं बच्चों का। भैया मैंने प्राइवेट कर दिया। लो भैया जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। और हम आपको बता दें, अब नहीं कुछ कहना चाहेंगे, बाकी अब क्या कहें, गलती देखिए मानव से ही हो सकती है। तो 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अगर कहीं निकल गया तो आप 99 को तो नहीं देख रहे हैं मेरे भाई, 99 तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक कहीं से हो गया। अब मिस्टेक तो होता नहीं जल्दी कहीं, स्वाभाविक सी बात है भाई, गलती उसी से होती है, मानव से ही, अगर गलती ना हो तो भगवान हो जाए, ठीक है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 99% कहीं गलती नहीं मिलेगी, ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो को प्राइवेट ही कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कहीं अगर ऐसा होता तो थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, ठीक है, उसको बताइए, सुझाव सजेशन उसको, हो सकता है कि और विस्तार पूर्वक कर दिया जाए, समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग जब थोड़ा सा हेल्प करेंगे हमारी भी, तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे, समझ रहे हैं। ऐसा ही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चलेगा ना भाई, अब क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं। देखिए कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित है? कौन पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित है ऐसा कह रहा है? आईएसओ 14000, आईएसओ इतना, आईएसओ इतना, तो इसका राइट आंसर क्या है? आईएसओ 14000, ISO 14000, ये किससे संबंधित है? पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई उसको भी देख लिया जाए, अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, देखिए मुझे एहसास होता है कि आप लोग इस तरीके से ब्लेम लगा देते हैं मेरे भाई, अगर शायद मैं आप लोगों से कुछ मनी ले लिया होता तो शायद हो सकता है कि आप लोग साइंस कर देते मेरा गला, समझ रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं भाई, अगर किसी को मैंने कहा किसी की हेल्प ना करिए तो उसका टंगिया पकड़ के ना खींचिए। अब भाई बाय द मिस्टेक, अब क्या कहें, आज थोड़ा सा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, जितने भी लोग आप रेगुलर रहते हैं, मैं जानता हूं कि कुछ लोग खुराफाट टाइप के होते ही हैं,
क्योंकि उनके आनुवंशिक में है, ऐसा करेंगे। आप कितना भैया अच्छा कर लीजिए लेकिन उनको निकालना है तो निकालना। जिस तरीके से मक्खी आप देखेंगे सारे पूरा परफ्यूम और फ्यूम को छोड़ करके, क्रीम पाउडर फेयर लवली बोरो प्लस सबको छोड़ करके कहीं अगर खाता है फुंसी है तो वहीं जा करके बैठेगी मक्खी। उसी तरीके से कुछ लोगों का ये बिहेव ही होता है, तो ऐसे लोगों से कहाँ तक आप लेते फिरेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। आप लोगों के जो कमेंट्स और हम मैं देखता हूँ तो मुझे भी प्रसन्नता होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोल्ड डिजर्ट इज लोकेटेड इन, ठंडा रेगिस्तान स्थित है। ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? लद्दाख में, मनाली में, माउंट आबी में और ऊटी में। तो कहाँ है? इसका राइट आंसर है लद्दाख। कहाँ है मेरे दोस्त? ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? लद्दाख में है। अगर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर का, हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट आर फाउंड इन इंडिया। कितने जो है बायोडायवर्सिटी, भारत में कितने जैव विविधता तप्त स्थल है, भारत में कितने जैव विविधता तप्त स्थल है, कितने हैं यह पूछ रहा है। कह रहा दो ठो है कि चार ठो है कि 25 है कि 10 है, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? चार है। कितने हैं? चार है। इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। मक्खियां बड़ी परेशान कर रही हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, कह रहा है कि नागर होल अथवा राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, नागर होल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कह रहा है कर्नाटक में है कि जम्मू और कश्मीर में है कि राजस्थान में है कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है नागर होल अथवा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान? तो यह है कहाँ मेरे दोस्त? यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए कह रहा है अगले प्रश्न में, चलिए बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर का क्वेश्चन इसको भी देखिए। 40 नंबर में कह रहा है कि बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, वायु प्रदूषण का जैव संकेतक कौन है इसमें से? वायु प्रदूषण का जैव संकेतक कौन है इसमें से? कह रहा है कि जानवर है कि पौधे हैं कि पेड़ है कि लाइकेन है। कौन है? जानवर है कि पौधे हैं, पेड़ है कि लाइकेन है। तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, बायो इंडिकेटर? वह है लाइकेन। क्या है मेरे दोस्त? लाइकेन है। ठीक है, सैक जिसे कहते हैं, और मुख्य रूप से प्रदूषण वायु प्रदूषण का सूचक है, और वायु प्रदूषण में भी सल्फर डाई ऑक्साइड का यह सूचक है, सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषण का। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कह रहा है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा कह रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को कि 22 अप्रैल को कि 22 मई को कि 5 जून को? ठीक है, कब नाम मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? यह मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है, समझ रहे हैं। अगला क्या कह है 16 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है जिनेवा में है कि नैरोबी में है कि हेग में है कि न्यूयॉर्क में है? कहाँ है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, कहाँ है ऐसा कह रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा, अर्थात इसका ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, जिनेवा में है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी समझ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो यहां पर कह रहा है 17 में कि बायोडायवर्सिटी एक्ट वाज इनएक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? कह रहा है 2002 में कि 1972 में, 1982 में, 1957 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 2002 में। कब लागू हुआ? 2002 में लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन इसको भी देख लिया जाए। 18 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, विश्व का एक
एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है कि कहां स्थित है, कह रहा है गोवा में है कि असम में है कि तमिलनाडु में है कि मणिपुर में है, तो कहां है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर, अर्थात डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। किसके लिए अच्छी तरह से जाना जाता है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एकाक दूठो आप लोग भी तो बताइए। ठीक है, बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सेंचुरी टू कंजर्व द वाइल्ड एस इज लोकेटेड इन। जंगली गधों को संरक्षित करने के हेतु अभ्यारण कहाँ स्थित है? जंगली गधा को संरक्षित करने के लिए कहाँ है, कह रहा है अभ्यारण कहाँ स्थित है? कह रहा है गुजरात में स्थित है, राजस्थान में है कि केरल में है कि बिहार में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है गुजरात। कहाँ है मेरे दोस्त? गुजरात। ग से गधा, ग से गुजरात, और गी से गिर। गिर जो है वो शेर के लिए है, समझ रहे हैं, बब्बर शेर के लिए है, वो भी गुजरात में है। गिर गुजरात में है, और गधा के लिए भी संरक्षण कहाँ होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, ग से गधा, ग से गुजरात। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है इसको भी देखिए। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि उत्तराखंड में है कि कर्नाटक में है कि असम में है कि हरियाणा में है? कहां है फूलों की घाटी? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? यह है उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? ये इसका सही उत्तर हो गया, उत्तराखंड। समझ रहे हैं कौन सा है? उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर हम 22 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, 22 की तरफ भी बढ़ लेते हैं। देखिए 22 में कह रहा है यहां पर कि राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कह रहा असम में है कि जम्मू कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में कि पंजाब में? कहाँ है राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान? यह है असम में। कहाँ है मेरे दोस्त? यह है असम में। इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करें। कह रहा वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा है 2 मार्च को, 28 फरवरी को। 28 फरवरी तो विज्ञान दिवस है ना मेरे भाई, और 11 जुलाई को नहीं तो विश्व जनसंख्या दिवस है। 16 सितंबर, जी बिल्कुल 16 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, क्या कौन सा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। 24 की तरफ देखिए, 24 नंबर में क्या रहा है कि COVID-19 पैंडेमिक एंड लॉकडाउन शोज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन। यह क्वेश्चन आया था दोपहर में भी, तो कई लोगों को इसमें मैंने देखिए इसकी इस पे जो है मैंने जिक्र नहीं किया था, फाइनल नहीं लॉक किया था, लेकिन अब यहां मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। कह रहा हूं कि COVID-19 महामारी और लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव कहां पड़ा? कैसा पूछ रहा है? सकारात्मक प्रभाव, ना कि नकारात्मक प्रभाव, और यही आप लोग बार बार कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था पढ़ाई के दौरान हम आपके कमेंट अगर पढ़ने लगे भैया पूरा टाइम चला जाएगा, समझ रहे हैं? नाम पढ़ने लगे पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है, सकारात्मक देखिए, शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा नहीं, करा अर्थव्यवस्था पर पड़ा नहीं, करा रोजगार पर पड़ा नहीं, किस पर पड़ा? जैव विविधता पर। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? बी इसका सही उत्तर है, बायोडायवर्सिटी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्रॉप रोटेशन इन फार्मिंग रिड्यूस। कह रहा है खेती में फसल चक्र से घटता है, फसल चक्र से क्या घटता है? आई डोंट डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पहला राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका पहले नाम था हेली, और बाद में इसको 1936 में रखा गया था, बाद में कन्वर्ट करके इसको क्या नाम हो गया? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? नंदा देवी नहीं, जिम कार्बेट, जी बिल्कुल जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है, जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27, मराइन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कह रहा है कि गुजरात में है, कि गोवा में है, कि केरला में है, कि वेस्ट बंगाल में है, कहाँ है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान? तो यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है मेरे दोस्त? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर देखिए कह रहा है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर क्लासिफाइड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सीपीसीबी के अनुसार कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता मानकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? कितने भागों में वर्गीकृत? 5, 10, 15, 20। तो इसका राइट आंसर है कितने भाग में? 5 भाग में इसने क्या किया है? वर्गीकृत किया है 5 भाग में। अगला क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि BOD स्टैंड फॉर, BOD शब्द विस्तार है, इसका पूरा नाम क्या है? कह रहा है कि बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड नहीं, ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑक्सीजन जी बिल्कुल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सी इसका सही उत्तर है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका सही उत्तर है, बीओडी का पूरा नाम। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है, आप जानते हो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर पर, समझ रहे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर पर पाई जाती है। तो इसकी मोटाई कह रहा किस में मापी जाती है? डाल्टन इकाई में, कि डॉब्सन इकाई में, डेस्पेल इकाई में, रंजन इकाई में? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। किस में? डॉब्सन यूनिट में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका सही उत्तर है, डॉब्सन यूनिट में। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लिया है, 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है यहां पर कि ओजोन अम्ब्रेला इज फाउंड इन, ओजोन छतरी पाई जाती है, कह रहा आयनोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में। तो ओजोन छतरी कहां पाई जाती है? तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। बी इसका सही उत्तर है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला देखिए कह रहा है कि 32 नंबर, इविल क्वार्टर इज रिलेटेड विथ लॉस ऑफ, इविल क्वार्टरेट संबंधित है किससे है? इविल क्वार्टरेट जो संबंधित है किससे संबंधित है? कह रहा है संपूर्ण आबादी के लोप से नहीं, जैव विविधता के लोप से, बिल्कुल जैव विविधता के लोप से ही संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। क्या? इविल क्वार्टरेट इज रिलेटेड विथ लॉस ऑफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 नंबर में क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कम है, हमें कम समय में यह फिनिश करना है, कम समय में समाप्त करना है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सिटू मेथड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वन्य जीवों के संरक्षण हेतु स्वस्थान है, मतलब इन सिटू पद्धति नहीं है, इन सिटू पद्धति नहीं है, इसका मतलब वो कैसा होगा? एक सिटू पद्धति होगा। कैसा होगा? एक सिटू। तो एक सिटू का कौन है? देखिए हम आपको मतलब प्राणी विहार, जूलॉजिकल जो देखिए सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सब कैसे हैं? ये सब हैं इन सिटू पद्धति है, जो बॉटेनिकल गार्डन है यह है इक सिटू कंजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वनस्पतिक उद्यान इसका सही उत्तर है। अगला देखिए कह रहा है कि हंगुल इज कंजर्वड इन, हंगुल संरक्षित है, हंगुल कहां संरक्षित किया जाता है? कह रहा है कि हंगुल कहाँ संरक्षित होता है? डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, कैम्बेल के राष्ट्रीय उद्यान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सही उत्तर क्या है? डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ हंगुल संरक्षित है? डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 35 नंबर की अगर बात करें, 35 नंबर का क्वेश्चन तो देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रीन मफलर इज रिलेटेड विथ, अभी इसी पे बवाल हुआ था इस क्वेश्चन को लेकर के दोपहर में। ठीक है, अब यहां मैंने भाई वायु प्रदूषण कर दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक से मैंने बताया था, रोड के किनारों पर आप जानते हैं वृक्ष लगाए जाते थे, आज लगाए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, किसको कम करने के लिए? जो गड़िया भोपू भोपू बजाते थे ना हुई, तो उसको कम करने के लिए, अर्थात यहां पर हरित जो मफलर है, अर्थात ग्रीन मफलर है, किससे रिलेटेड है? जल प्रदूषण से नहीं, वायु प्रदूषण नहीं ना, बल्कि किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। किससे है? ध्वनि प्रदूषण, अर्थात नॉइज पॉल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो रेड डाटा बुक में जानकारी उपलब्ध है, कह रहा है रेड डाटा बुक में किसकी जानकारी उपलब्ध होती है? कह रहा है कि रेड फ्लावर प्लांट्स, कलर एनिमल नहीं, कह रहा है इंडेजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, एक्सटिंक्ट प्लांट एंड एनिमल्स। कह रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, संकटापन्न पौधों और जंतुओं के जो संकट में आ गए हैं, अर्थात विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, किसमें? रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में इन्हीं को
सम्मिलित किया गया है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द सिंपलेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, सरलतम जलीय परितंत्र है, सरलतम जलीय परितंत्र कौन है इसमें से? कह रहा है मैराइन इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम, लाक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। देखिए समुद्र परितंत्र बहुत बड़ा होता है, नहीं, कह रहा है सरलतम कौन है, सरलतम नदी यह बड़ा है, झील बड़ा है, तालाब परितंत्र। इसका राइट आंसर क्या है? डी, डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, सरलतम झील परितंत्र कौन है? तालाब परितंत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए भाई। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिनोग्राफी हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है ऐसा कह रहा है? कह रहा है मुंबई महाराष्ट्र में, डोना पाउला गोवा में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सूरत गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है कहाँ? डोना पाउला गोवा में। कहाँ है? गोवा में है मेरे दोस्त। इसका बी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 छोड़कर भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मतलब कह रहा है, ये देखिए देख लीजिए एक बार, इसकी सकलिया का है छोड़ के हम भाग रहे हैं, समझ रहे हैं। कह रहा है कि भवनों के सामने, किसके सामने? भवन, 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 घर के सामने अशोक और नीम के वृक्ष लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? कह रहा नुकसानदायक गैसों को अवशोषित करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, सुगंध निकालने के लिए, रोगजनकों को मारने के लिए। हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। ठीक है, किसकी? क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन तक चलते चलते बहुत टाइम हो जाएगा मेरे दोस्त, देखते हैं अभी अगर हो सकेगा तो पूरे 100 चलेंगे, नहीं तो बीच में हम रोक देंगे, समझ रहे हैं, देखते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। कह रहा है कि UNEP, ठीक है, UNEP स्टैंड फॉर, इसका पूरा नाम क्या है, इसका शब्द विस्तार क्या है, इसका शब्द विस्तार क्या है मेरे दोस्त? कह रहा है कि देखिए होता क्या, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम तो कौन मिला है? यूनाइटेड नेशंस इकोलॉजिकल नहीं, एजुकेशन नहीं, एनवायरमेंट, और यहाँ नेशन, ये इसका सही उत्तर क्या है? सी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका सही उत्तर है। ठीक है, UNEP का। अगला 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 41 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट फॉर एन इन सिटू मेथड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल वन्य जीवों के संरक्षण है? तो इन सिटू पद्धति है। अब यहाँ आगे ना इन सिटू कौन है, देखे अब इन सिटू यहाँ पर कौन है, देखिए ये तो एक सिटू ये भी है जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, अब रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये कैसा है? रिजर्व फॉरेस्ट इन सिटू पद्धति है। कैसा है? इन सिटू पद्धति है, संरक्षित वन, ये इसका सही उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर में, 42 को भी छोड़ते हैं भी, 42 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है इसको आप देखिए, मैं इसको अभी गोला कर देता हूँ, गोला मैंने लगा दिया, इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 43 की बात करेंगे सीधे साधे से। ठीक है, सीधे साधे से कैसे बात करेंगे 43 की, सीधे साधे से। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई क्या होती है? पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई क्या होती है ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है, पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई क्या होती है? ठीक है, कह रहा है कि इको टोन होती है, वर्ग मील होती है, वर्ग मीटर होती है, भूमंडली हेक्टेयर होता है। तो क्या होता है भाई? ग्लोबल हेक्टेयर। जी हाँ बिल्कुल, इको आजकल फुटप्रिंट की इकाई होती है ग्लोबल हेक्टेयर। क्या होता है? ग्लोबल हेक्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, कह रहा है एटमोस्फेरिक वेपर और मॉइस्चर इज मेजर्ड बाई, ठीक है, वातावरणीय वाष्प या नमी को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? वातावरणीय वाष्प या नमी को किससे मापा जाता है ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है मेरे भाई। ठीक है, एटमॉस्फेरिक वेपर जो मॉइस्चर होता है, नमी को किससे मापते हैं? कह रहा हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, नहीं हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं भाई? हाइग्रोमीटर से। तो 20 का सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। ठीक है, जो दाब होता है, यह तो वाष्प है ना, दाब जो होता है वो होता है बैरोमीटर, ठीक है, वायु दाब, लेकिन हाइग्रोमीटर से इसकी नमी मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 45 की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ कह रहा है कि ब्लैक लंग डिजीज इज रिलेटेड विथ, काला फुफ्फुस रोग किससे संबंधित है? काला फुफ्फुस, उनका फेफड़वा में काला काला कैसे, कहाँ हो जाएगा? जब कहीं काली जगह काम करेंगे ना, काले वाली जगह में, मतलब वो कोयले की खानों में जब काम करेंगे। तो यहाँ कह रहा है गहरे समुद्र कर्मियों को नहीं, कोयला खनन कर्मियों में। जी बिल्कुल, कोयला खनन के कर्मियों में। ठीक है, कौन सा रोग होता है? काला फुफ्फुस, ठीक है, ब्लैक लंग डिजीज होता है जो कोयले खान में काम करने वाले कर्मी होते हैं। अगला 46 नंबर देखते हैं, 46 नंबर क्या कह रहा है, 46 नंबर देखिए, कह रहा है 46 नंबर में
कि बायोडायवर्सिटी डील्स विथ, बायोडायवर्सिटी डील्स विथ जैव विविधता में चर्चा होती है, किसकी चर्चा होती है, जैव विविधता में, कह रहा है विलुप्त जीवन की, गैर स्थली जीवन की, विभिन्नता की, वंशागत की, ठीक है, किसकी चर्चा होती है। तो वहां जानते हैं कि अब पूरे के पूरे जो वैरायटी होती है, कैसे कैसे चेंज है, इन सभी की चर्चा इसका किसके अंतर्गत आएगा, विभिन्नता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, वेरिएबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केवलादेव नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, कह रहा है पक्षियों के लिए, बाघों के लिए, ऊंट के लिए, डॉल्फिन के लिए। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए, किसके लिए है मेरे भाई, यह है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, इसको भी देख लिया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, कह रहा हाउ मेनी मेगा डाइवर्स कंट्री आर देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व में कुल कितने मेगा डाइवर्स कंट्रीज जैव विविधता वाले राष्ट्र हैं, विश्व में कुल कितने मेगा डाइवर्स कंट्रीज जैव विविधता वाले राष्ट्र हैं, ऐसा कह रहा है बृहद जैव विविधता वाले राष्ट्र हैं, ठीक है, विश्व में कितने हैं भाई, विश्व में कुल कितने मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, कह रहा 17 है कि 21 है, 34 है कि 4 है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ए, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ठीक है, ओ ये तो मेरे भाई, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, फिर हम आज थोड़ा सा गर्मी भी है, ठीक है, अब ये लेक्चर हम आगे इसको आगे लेकर के कल मिलेंगे आपसे, हो सकता है दोपहर में लेकर के मिलें ये लेक्चर या शाम टाइम में, ठीक है। चलिए लाइट की समस्या हो गई बिल्कुल, तो आज नहीं अगले ही दिन मिलेंगे, ओके, जय हिंद।